नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि आप ग्रो के अंदर अपना यूपीआई कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों अभी आप मेरी डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके मोबाइल के अंदर शो रही होगी। तो ग्रो में दोस्तों यूपीआई कैसे एक्टिवेट करना है, ये कैसे काम करेगा, कैसे आप इसको अपने बैंक अकाउंट से लिंक करेंगे, ये सारी प्रोसेस हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर लाइव देखने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, देन देख लेते हैं कि आप ग्रो के अंदर अपना यूपीआई आईडी कैसे बनाएंगे, देन इससे आप पेमेंट कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं हमने ग्रो ऐप ओपन कर लिया। तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यूपीआई, आप यूपीआई के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यूपीआई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ग्रो ने अपना रिसेंट सर्विस लॉन्च कर दिया है, अपना यूपीआई, खुद का यूपीआई और अपने कस्टमर के लिए ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी अरेंज करने वाले। तो यहाँ पे देखिए आपको सिंपल सा ही काम करना है, गेट स्टार्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको परमिशंस अलाउ करनी होगी, फिर से एक परमिशंस अलाउ करनी होगी, देन यहाँ पे आपको लोकेशंस अलाउ करना होगा। जैसे ही आप लोकेशंस अलाउ करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा। जो भी आपका मोबाइल के अंदर डिवाइस के अंदर जो सिम लगा होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको मोबाइल के अंदर वो वाला सिम डाला है, देन आप यहाँ पे सेंड SMS के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना UPI सेटअप कर लिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही पे के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐप कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे पे कॉन्टेक्ट, तो यहाँ से आप अपने कॉन्टेक्ट को, जितने भी आपके डिवाइस के अंदर कॉन्टेक्ट सेव रहेंगे उनको यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सेल्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करना है, बस जितने भी आपके बैंक अकाउंट रहेंगे वो आपको यहाँ पे शो करेगा। जिस अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है आपको सिंपल सा उसके ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आएगी, जितने भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे वो अभी आपको शो करेगा। मैं अभी लाइव भी आपको करके दिखाऊंगा कैसे यहाँ पे यूपीआई किया जाता है। के बाद यहाँ पे आपको यूपीआई सेटिंग मिलेगा, अब अपनी जरूरत के हिसाब से अपना यूपीआई यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका यूपीआई आईडी लिखा रहेगा, ये एस बैंक के साथ इन्होंने टाइप किया है। नीचे आप देख सकते हैं पावर्ड बाय यूपीआई। अभी आपको इसके अंदर यूपीआई कैसे करना है, तो दो तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो पेटीएम के अंदर होता है, जैसे आपके कोई इमेज QR भेजता है तो आप इसे स्कैन करेंगे, और दूसरा आप यहाँ से लाइव भी पेमेंट कर सकते हैं QR स्कैन करके। तो मैं देखिए यहाँ पे QR स्कैन करूंगा, देन आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे यहाँ पे होता है। तो अभी दोस्तों मैं आपके सामने QR स्कैन करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं QR स्कैन हो चुका है। उसके बाद जिनको पे करना है उनका यहाँ पे UPI ID और नाम दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए ₹1 पे करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू करना है आपको। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे दोस्तों आपको अपना UPI पिन डालना है। जितने भी दोस्तों आपका UPI पिन सेम रहता है हर प्लेटफॉर्म का, तो एक ही डलेगा, वही आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रोसेस होगा, देन यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा UPI सक्सेसफुली हो चुका है। देख लेते हैं कि जिनको हमने पेमेंट किया एक्चुअली में क्या उनको पेमेंट गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनका बैलेंस एंड हिस्ट्री है जिनको हमने UPI किया है। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ₹1 रिसीव हो चुका है जो मैंने किया है। यहाँ पे देखिए उनका नाम भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप ग्रो पे का यूज़ करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू हो रहा तो नीचे आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा एक जनरल रिप्लाई देने की। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।